भारत से स्मगलशुदा टमाटर का मामला, कस्टम्स हुकाम जब्तशुदा टमाटरों की नीलामी का शेड्यूल जारी न कर सके। कस्टम्स ने एक रोज कबल 40 लाख रुपए मालियत के स्मगलशुदा भारतीय टमाटर जब्त किए थे। इस हवाले से मजीद जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, बताइएगा ये क्या मामला है। जी कस्टम एंटी उन्होंने एक रोज कबल जो है 40 लाख रुपए मालियत के भारतीय स्मगलशुदा टमाटर जो है कब्जे में लिए थे और आज नीलामी के लिए पेश करना था, लेकिन कस्टम हुकाम की जानिब से जो है शेड्यूल जारी ना किया जा सका, जिसकी वजह से टमाटर की नीलामी नहीं हुई। जराय का कहना यह है कि गर्मी की शिदत क्योंकि थोड़ी ज्यादा है तो टमाटर जाए होने का खतरा है, लेकिन कस्टम हुकाम की जानिब से अभी तक इसका कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। कस्टम जराय का कहना यह है कि आला हुकाम को ये बात बता दी गई है कि 40 लाख रुपए मालिक के जो है टमाटर जब्त किए गए हैं, जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो हम इसकी नीलामी के लिए इसे पेश कर देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर चंद रोज तक इसकी नीलामी ना की जा सके टमाटर की, तो ये तमाम टमाटर जो है जाया हो जाएंगे और सरकारी खजाने को जो है नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी शेड्यूल जारी करने के बाद टमाटर नीलाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका।